जनपद रुद्रप्रयाग में आज श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीनस्थ समस्त संस्कृत महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर शिक्षा उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बद्री केदार समिति और मंदिर समिति की नीतियों के अंतर्गत शिक्षा उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा उप समिति अध्यक्ष श्रीनिवास सपोस्ती को चुना गया। सचिव विजयंत बिष्ट, सदस्य वीरेंद्र असवाल और विधिक अधिकारी शीशपाल वर्तवाल को चुना गया। हमने ये निर्णय लिया कि इन विद्यालयों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ पर विद्यालयों में भवनों का न होना, अध्यापकों की कमी को दूर करना और छात्रों की संख्या को बढ़ोतरी करना, और इसके बाद आज हमने यहाँ पर कुछ विद्यालय के प्रधानाचार्यों को बुलाया था और उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, और इसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम 15 तारीख के बाद प्रत्येक विद्यालय में जा करके वहाँ का इंस्पेक्शन करेंगे। वहाँ की मुख्य समस्याएं तो जो निकल कर आई, वहाँ पे भवनों का ठीक नहीं होना और जो वेतन विसंगति है शिक्षकों की उसको उसमें का होना और साथ ही शिक्षकों की कमी का होना, तो अभी आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि शीघ्र जो है इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी से मिल करके ये वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा, भवनों के सुधार के लिए और छात्रावास के निर्माण के लिए कार्य किया जाएगा। हमारी मांग है कि छात्रावास निर्माण हो। 1910 का विद्यालय है, तब की बिल्डिंग बनी हुई है, उसको संशोधन यानी नवीनीकरण करना है, और संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को मंदिर समिति अपने स्तर से भी रोजगार परक शिक्षा या रोजगार देने के लिए आगे आए, तभी लोग संस्कृत पढ़ेंगे, वो जीवित रहेगी, और अध्यापक जहाँ कम है हमने उनकी मांग की है।